वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। हमारी ज्ञानेंद्रियों में जो आँख जो है, अगर इसे आप चाहते हैं कि आपका जीवन भर साथ दे, सुरक्षित रहे, तो रसोई घर में, मतलब एक तो बहुत ही सरल तरीके से जो मैं कर रहा हूँ, जब से मुझे मालूम हुआ है तब से कर रहा हूँ, और मेरे व्यक्तिगत जीवन का ही अनुभव है कि 2005 में आँखों में ऑपरेशन हुआ था मोतियाबिंद का, काला और सफ़ेद मोतियाबिंद का, और उस वक्त लेंस डली थी बाएं आँख में, लेकिन कभी भी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी। 24 घंटे में कम से कम 16 से 18 घंटे मोबाइल पे और कंप्यूटर पे काम करता हूँ, धूल मिट्टी में रहता हूँ किसी भी तरह का, और कभी भी आँखों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। इस सब में आप सबका आशीर्वाद भी है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सबसे सरल तरीका जो अपने आँखों को बचाने के लिए मैंने अपनाया रखा है, वो है सुबह उठते ही अपनी लार को आँखों में काजल की तरह लगाना। सारी चीज़ें मैं भूल सकता हूँ, लेकिन आँखों के लिए जो कहते हैं कि सबसे मुफ्त का और सबसे सरल, जिसका फ़ायदा मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिला तो कौन से बाबूजी का खेत बिक रहा है। तो आँखों में सुबह उठते ही लार लगाने का और खाने पीने का, हर किसी को कुछ ना कुछ खाने पीने की आदत होती है, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने भोजन में, अपने खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ों का बदलाव कर लें, अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें बना लें जिसे उपयोग करके हम अपनी आँखों को जीवंत स्वस्थ रख सकें, चश्मे से मुक्त हो जाएं, आँखों की रोशनी बरकरार रखें। इसके लिए सबसे सरल और सफल बादाम गिरी होता है, बादाम गिरी 250 ग्राम अच्छी किस्म की, अच्छी गुणवत्ता वाली, जिसका तेल नहीं निकाला गया हो, वो बादाम गिरी ले आएँ 250 ग्राम। खसखस 100 ग्राम लेकर आएँ। सफ़ेद मिर्च भी मिल जाएगा आपको, वो 50 ग्राम लेकर आइए, और मिश्री 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम। बादाम गिरी, खसखस, सफ़ेद मिर्च, मिश्री, सौंफ, इन सबको लाके अलग अलग पीस लें, और पीसने के बाद बादाम गिरी, खसखस और सफ़ेद मिर्च, बादाम गिरी, खसखस और सफ़ेद मिर्च, इन तीनों को देसी गाय के घी में भून लें, देसी गाय के घी में इसको भून लें, इनके पाउडर को, और इनको अब फिर बाकी मिश्री और सौंफ को मिला के रख लें। अब देखिए 250 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम, 600 ग्राम आपके पास पाउडर तैयार हो गया, 600 ग्राम। सुबह खाली पेट और दिन में कभी भी खाली पेट, 2 चम्मच पाउडर, 2 चम्मच चूर्ण जो है इसका सेवन करें। आंखों की, मतलब आप शब्दों में नहीं कह सकता, मैं तो आप सभी से जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का अभियान है, नारा है और उद्देश्य है कि करके अनुभवों को बताना है। देखिए दुष्प्रभाव इसका कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पाउडर को अगर 2 बार 3 बार बना के अगर आप अपने जीवन में 2-4-5 किलो ये पाउडर खा भी लेते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है, और फायदे जो होंगे वो आप खुद ही हमारे अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके अनुभवों से औरों का विश्वास और ज्ञान बढ़ेगा, और वो भी अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि नेत्र ज्योति, आंखों की रोशनी को बढ़ाना है, चश्मे को उतारना है, तो सबसे सरल जीवंत भर करने योग्य सुबह की लार को काजल की तरह लगाना सबसे सरल है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना, और हम जीवन भर कुछ ना कुछ खाते ही हैं, तो क्यों ना हम अपने खान पान में, अपनी आदतों में किसी ऐसे चीज़ों का, ऐसे अपने खाद्य पदार्थों का, ऐसे पाउडर का, ऐसे चूर्ण का, रसोई घर से, अपने रसोई घर से दुष्प्रभाव रहित चूर्ण का प्रयोग करें, जिससे हम स्वस्थ भी रहें। तो मैं आप सभी से बारंबार एक भाई होने के नाते, एक बेटे होने के नाते विनती करता हूं कि अगर आपकी आंखों की रोशनी अपनी बचानी है, चश्मे उतारने हैं, तो सुबह की लार जरूर लगाएं,
बादाम गिरी, खसखस, सफ़ेद मिर्च, मिश्री और सौंफ के पाउडर को बना के 250 ग्राम बादाम का पाउडर ले लें, 100 ग्राम खसखस का पाउडर बना लें, 50 ग्राम सफ़ेद मिर्च का पाउडर बना लें। इन तीनों को घी में अलग से भून के फिर रख लें और इसमें सौंफ का पाउडर और मिश्री का पाउडर मिला के रखें और इसमें से 2 चम्मच जब पेट पूरी तरह से खाली हो और सुबह 2 बार सेवन करें। और अगर इसके पीछे से गाय का दूध मिल जाए, देसी गौ माता का दूध मिल जाए, तो सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। अगर आपके पास देसी गाय का दूध मिल जाता है इस पाउडर को, और नहीं मिलता है तो सादे पानी से हल्के हल्के गुनगुने पानी से सेवन कर लें, या इसको पंखी लेके उसके बाद कुछ थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें। कोई मुश्किल नहीं है, ज़रूरत है अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लेने की और उसे अमल करने की। तो आप सभी से इस भाई का बारंबार विनती है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत इन स्वदेशी चिकित्सकीय उपायों को, उपचारों को अपनाकर अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं और अपने अनुभवों से समाज को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। जब समाज बनेगा तो राष्ट्र भी स्वस्थ और समृद्ध होगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।